होली, होली सुनते ही सबसे पहले गुजिया, पापड़, नमकीन याद आता है। सही कहा ना मैंने? तो आज मैं आपके लिए पापड़ लेकर आई हूँ, आलू के पापड़। बहुत से लोग आजकल ये भी ट्रेंड है कि अरे क्यों घर में मैं बनाऊं, जब मार्केट में ही सब बिल्कुल घर जैसे पापड़ बनते हैं। कुछ लोग पापड़ के नाम से थोड़ा सा डर भी जाते हैं, पापड़ अरे रहने दो ना, बहुत टाइम लगता है। कुछ कहते हैं कि धूप नहीं आती है। तो आज मैं आपके इन सभी क्वेरी की, इन सभी परेशानी का सारा सोल्यूशन लेकर आई हूँ अपने वीडियो में। तो प्लीज एंड तक इसको जरूर देखिएगा। और ये पापड़ कितना इजी, कितना जल्दी बनता है, आप मेरी वीडियो को देख के जरूर जान जाएंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मुझे सबसे पहले बॉयल पोटैटो लेने हैं, उबले हुए आलू। आलू का जो साइज है वो बड़ा ही होना चाहिए, ना ही मीडियम ना ही छोटे। और जीरा, चिली फ्लेक्स, हमको चिली पाउडर नहीं लेना है, चिली फ्लेक्स ही लेना है। और नमक, आप सेंधा नमक भी ले सकते हैं, क्योंकि होली के पास फिर शिवरात्रि आती है और भी बहुत से फास्ट आते हैं, तो आप इस पापड़ का कंजम्पशन कर सकते हैं। और थोड़ा सा घी लिया है। और ऐसे तो पापड़ बनाने की मशीन आती है, बट आज मैं आपको विदाउट मशीन बनाऊंगी, तो ये मशीन भी आती है। और ये देखिए, मैंने ये मोटा थोड़ा सा मैंने ये पॉलिथीन लिया हुआ है। ये पॉलिथीन जो हमारे बच्चों की स्टडी बुक में जो रोल होता है ना कवर का, मैंने उससे लिया है। तो थोड़ा मोटा होना चाहिए, पतली पॉलिथीन नहीं चलेगी। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। अब मैं पापड़ को घिसूंगी सारे इसी तरीके से। आलू को घिसते टाइम हमें ये याद रखना है कि बिल्कुल भी लम्स नहीं होने चाहिए आलू में, नहीं तो वो फिर जब पापड़ बनेंगे तो उसमें आते हैं तो वो अच्छा नहीं लगते हैं टेस्ट में। ये देखिए, सारे आलू में हमारे कद्दूकस हो गए। अब इसी में ये जो मेरे चिली फ्लेक्स थे और जो जीरा था मैं उसको डाल दूंगी, और ये जो नमक था उसको भी डाल दूंगी। और जैसे गेहूं का आटे को हम जिस तरीके से मारते हैं, नीट करते हैं, उसी तरीके से हम इसको भी करेंगे। तो अच्छे से इसको मिक्स करेंगे, और आलू के जो लम्स है वो ना हो इसके लिए हम हाथ से भी थोड़ा सा मस लेंगे। और देखिए थोड़ा सा स्टिकी हो रहा है, तो मैंने ये जो थोड़ा सा घी लिया था मैंने ये घी भी थोड़ा सा ऐड किया है ताकि स्टिकी ना हो आलू। देखिए रेडी है हमारा, बहुत ही जल्दी 5 मिनट में मैं ये रेडी हो गया। और बहुत से लोगों को पापड़ बनाने में बहुत ही डर सा लगता है कि अरे बहुत काम है, बहुत टफ है, बट आप ये देखिए 10 मिनट में ये रेडी हो गया। बस अब इसमें इसके हम पापड़ बनाएंगे। और इसका जो प्रिपरेशन होती है वो बिल्कुल वैसी ही होती है जैसे हम आलू के पराठे के लिए आलू रेडी करते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, पापड़ कैसे बनते हैं ये भी हम देख लेते हैं। और अब हम पाम में घी लगा के इसको राउंड शेप देंगे लड्डू जैसे। देखिए आलू की बॉल मेरे रेडी हो गए। अब आते हैं हम पापड़ बनाने में। इसके लिए मैंने ये जो बताई थी मैंने शीट ली हुई है, इसको ऑयल से ग्रीस कर देंगे इस तरीके से, और बिल्कुल सेंटर में रखा, और सेंटर में करके इस तरीके से इसका जो दूसरा पार्ट है इसको कवर किया। और देखिए जैसे मैंने कहा था कि इसमें हम मशीन का यूज बिल्कुल नहीं करेंगे। मैंने ये प्लेट ली है, बस इस प्लेट को हम इस तरीके से प्रेस कर देंगे ऐसे। ये देखिए बन गया, कितना सिंपल। और अगर आपको थोड़ा सा शेप लग रहा है कि राउंड शेप नहीं आया है तो इसको फिंगर के थ्रू अच्छे से राउंड शेप दे दीजिए। ये देखिए 1 सेकंड में रेडी हो गया। अब हमने एक पॉलिथीन ली है। बहुत से लोग पापड़ बनाने के लिए कपड़े का यूज करते हैं, बट कपड़े का यूज कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब पापड़ हमारे ड्राई हो जाते हैं तो वो निकलते नहीं है। तो मैंने इसमें थोड़ा सा पूरे पॉलिथीन में ऑयल लगा दिया है। पॉलिथीन बिल्कुल साफ होनी चाहिए। और ये देखिए मैं इसको इस तरीके से कवर मैंने किया,
और ये देख डल गया, हो गया मेरा। तो एक और करके दिखा रही हूं, आप देख रहे हैं कितनी जल्दी बन रहा है। बस इसको इस तरीके से प्रेस किया, मुझे रेडी। अगर आपको थोड़ा सा मोटा लग रहा है पापड़, तो आप पाम के थ्रू ही थोड़ा सा कर सकते हैं। और फिर से मैंने यहां रखा, पहले के टाइम में हमारी दादी नानी जो थी वो इसे अपने घर के टेरेस में या धूप में इसे बनाया करती थी। बट आजकल जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि फ्लैट का कंसेप्ट हो गया है, तो किसी के पास ना इतनी स्पेस है ना धूप है, तो इसको हम किचन में ही अपना बनाते हैं। और आप इसे ओवरनाइट फैन के नीचे रूम में रख सकते हैं, बहुत ही आराम से ओवरनाइट ये पापड़ हमारे सूख के रेडी हो जाएंगे। इसके लिए कोई ऐसे जरूरी नहीं है कि हमें धूप की जरूरत है या स्पेस की जरूरत है। आप एक रूम में फैन चलाइए और ओवरनाइट रख दीजिए, आपके पावर रेडी। ये देखिए, और कितने आराम से मैं आराम से किचन में खड़े होके बना रही हूँ। कोई धूप नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बट हमारे ये पापड़ रेडी होते जा रहे हैं। तो ये देखिए, मेरे ये पापड़ बिल्कुल सूख के रेडी हो गए हैं। और जैसा कि मैंने बताया था कि मैंने रूम में चलते हुए फैन के नीचे इसको ड्राई करा है, तो इसमें अराउंड 15 आवर्स लगे हैं। क्योंकि ये कोई बताने वाली बात नहीं है कि जो नेचुरल सनलाइट होती है और जो आर्टिफिशियल वे हमने यहाँ इस वीडियो में अप्लाई करा है, तो उसमें देखिए टाइम कंज्यूम तो होगा ही होगा। आप अगर सनलाइट में करोगे तो 5-6 घंटे में ये जो पापड़ है वो ड्राई हो जाएंगे। बट ये मैंने फैन से सुखाया है, तो इसमें मुझे अराउंड 15 आवर्स लगे। बट नॉर्मली हर घर में आजकल ये बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है कि लोगों के घर में धूप नहीं आती है, तो इसीलिए मैंने ये आपको तरीका बताया। तो चलिए आइए, अब मैं इसको फ्राई करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो ऑयल है उसको काफी ज्यादा गर्म कर लिया है, ठंडे में कभी भी नहीं डालना है। तो ये देखिए, अब मैं पापड़ को डाल रही हूँ गर्म तेल में। कितनी जल्दी देखिए फ्राई हो गया, और बहुत ज्यादा बिल्कुल रेड नहीं करना है। आप देख लो, एक बार इधर पलटा और बस निकाल लिया। ठीक, मैं और दिखा रही हूँ आपको तल के। ये बिल्कुल लाल हो रहा है, तो इसको लाल नहीं होने देना है क्योंकि ये जल जाता है फिर। ऑलरेडी मैंने ये बिना मशीन के और बिना धूप के ये पापड़ बनाए हैं, तो आप ये जरूर ट्राई करिएगा और कमेंट सेक्शन में ये जरूर लिखिएगा कि ये पापड़ बिना धूप के और बिना मशीन के कैसे बने।